नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 70 को देख लिए थे। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 71 को देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 55 क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ जो है इस वीडियो में हम लोग जो है करेंट अफेयर्स के भी जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और शाम 7 बजे आप लोग का जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को जो है इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 55 क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, इसमें कह रहा है एक स्वरित्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि का जो है तरंग दैर्ध्य आप लोगों को बताना, अर्थात लेमडा का मान क्या होगा वह आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का यह काम है कि जो भी मान दिया हुआ उसको जो है पहले लिख लेंगे। तो दोस्तों, 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु जितना बार दोलन करती है उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति को हम लोग जो है n से लिखते हैं। तो n का मान दिया हुआ है 256 दिया हुआ है। ओके, और दोस्तों ध्वनि का वेग दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ओके, और हम लोग जानते हैं ध्वनि का वेग v बराबर होता है n लेमडा होता है। ओके, तो इसमें जो है आप लोग जो है इसका मान जो है रख दीजिए। तो v का मान दिया हुआ है 330 बराबर n का मान दिया हुआ है 256 इंटू लेमडा। इससे जो है आप लोग को जो है लेमडा का मान निकल जा के आ जाएगा। तो यह हो गया 330/256 हो गया। इसको जब काटिएगा तो काटने के बाद जो है आप लोग को जो है मान आ जाएगा 1.2 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.29 मीटर जो है इसका तरंग दैर्ध्य हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसका जो है फोकस दूरी की गणना करें। तो दोस्तों, मान लेते हैं यह जो है कोई अवतल दर्पण दिया हुआ है। ओके, और यह हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह हो गया इसका सेंटर, यह हो गया फोकस, यह हो गया पोल हो गया यानी कि ध्रुव हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा दोस्तों 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कोई वस्तु को रखा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई वस्तु रखा गया। फिर कह रहा दोस्तों इसका जो है प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर यानी कि इसी ओर बनती है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है इसका प्रतिबिंब बन रही है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो है वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सभी जो है माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में। तो u बराबर हुआ दोस्तों वस्तु की दूरी, यह भी जो है माइनस में होगी यानी कि -12 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर जो है दोस्तों यह भी जो है माइनस में होगी यानी कि -8 सेंटीमीटर होगी। और हम लोग को जो है कह रहा है f का मान निकालने के लिए। अब हम लोग जो है दोस्तों दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1/f = 1/u + 1/v। इस फॉर्मूला का जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया 1/f, 1/u का मान दिया हुआ है -12 प्लस 1/-8। ओके, तो इसको जो है अब आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है एलसीएम हो गया 24, 12 × 24 -8 = 24, यह हो गया दोस्तों -5/24 हो गया इसका 1/f का मान। ओके, यानी कि -5/24 हो गया। और हम लोग को जो है केवल f का मान निकालना है। तो f का मान जैसे हम लोग निकालेंगे तो यह जो है -24/5 हो जाएगा। इसको जो है सॉल्व कीजिए तो 5 × 20, 5 × 8 = 40, यानी कि -4.8 सेंटीमीटर जो है इसका फोकस दूरी हो गया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, -4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों एक लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के 1/5 त्वरण के साथ जो है ऊपर जा रही है। लिफ्ट में खड़े 60 kg के वस्तु का जो है आभासी भार क्या होगा? इस क्वेश्चन से जो है हमने आप लोग को जो है फॉर्मूला बताया था। जब कोई लिफ्ट जो है ए त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें जो भी वस्तु मतलब इनकी आदमी रहेगा उसका जो है भार ज़्यादा महसूस होगा। अर्थात फॉर्मूला होता है m × g + a होता है फॉर्मूला। जब नीचे आएगी ए त्वरण से
तो उस टाइम जो है भार का फॉर्मूला होता है m इंटू जी माइनस ए, और क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ऊपर की ओर जा रही है तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके चलिए, तो जो भी इसमें जो है मान दिया हुआ है पहले उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं। इसमें जो है दोस्तों a का मान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण के 1/5 है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो है 1/5 दिया हुआ, अर्थात जी 5 दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो a का मान हो गया जी 5 हो गया, और m का मान दिया हुआ है 60 kg दिया हुआ है। अब हम लोग जो है भार का फॉर्मूला का जो है यूज करेंगे, क्योंकि जो ऊपर जा रही है तो ऊपर में हम लोग जो है जोड़ का यूज करेंगे, यानी कि m इंटू जी प्लस ए। ओके चलिए, तो इसमें जो है इसका जो है मान को रख दीजिए, तो यह हो गया 60 इंटू जी प्लस ए, एक मान दिया हुआ है जी 5 दिया हुआ है, जी 5। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों 60 × 6 g/5 हो गया। ओके तो काटिए इसको, तो यह हो गया 12 × 5 = 60, तो 12 × 6 = 72 g जो है इसका मान हो गया, यानी कि f का मान जो है निकल करके आ गया 72 g। ठीक है, अब हम लोग को जो है दोस्तों यानी कि आभासी भार निकालना है। आभासी भार कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को जो है दोस्तों f का मान आया था 72 g आया था, और g बराबर यानी कि g का मान कितना होता है, g का मान होता है 9.8 m/s² होता है। ठीक है, और हम लोग को जो है m का मान निकालना है। ठीक है, तो m का मान कैसे निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है mg होता है, क्या होता है mg, यानी कि mg बराबर हो गया 72 g हो गया, जी से जी कैंसिल, अर्थात एम बराबर हो गया दोस्तों 72 kg हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 kg का जो है उसको जो है भार महसूस होगा, यानी कि पहले था 60 kg का, अब जो है दोस्तों 72 kg का जो है उसे भार महसूस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है, वैसे ही जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली जो है कहाँ लगेगी। तो जब ही इनकी नीचे कूदेगा दोस्तों तो इनकी निशाना जो है दोस्तों ऊपर की ओर लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशाना जो है दोस्तों ऊपर की ओर लग जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमने आप लोग को जो है समझाया था पिछले वीडियो में कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है sin i / sin r, sin r होता है, अर्थात दोस्तों आपतन कोण की जया बट अपवर्तन कोण की जया होता है, यह फॉर्मूला होता दोस्तों। और म्यू का मान दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, म्यू का मान दिया हुआ √3, तो √3 बराबर हो गया sin i / sin r। जब हम लोग यहाँ जो है sin i का मान निकालेंगे, sin i बराबर हो गया दोस्तों √3 × sin r हो गया, यानी कि आपतन कोण का जो है जया का मान जो है दोस्तों अपवर्तन कोण की जया का √3 गुना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया का √3 गुना है, अर्थात साइन आई बराबर हो गया √3 × sin r। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर को जो है एमीटर में बदलने के लिए इसमें जो है निम्न प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर तल पर प्रक्षेपास्त्र की उड़ान का समय क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है पढ़े होंगे प्रक्षेप गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें जो है दोस्तों समय बराबर फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। ओके, और हाइट का फॉर्मूला होता है h बराबर होता है u² sin²θ/2g। इसको जो है याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू यू साइन ए या फिर इनकी थीटा, इसके स्थान पे हम लोग जो है ए भी रख सकते हैं, बी भी, सी भी, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई क्या होगी। मान के चलते हैं दोस्तों यह जो है कोई टावर दिया हुआ है, ओके, यहाँ से जो है दोस्तों यू वेग से इनकी जीरो वेग से जो है कोई वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं, तो वह जो है वस्तु 4 सेकंड में नीचे जो है गिर जाता है, तो हम लोग को जो है एच का मान निकालना है, यानी कि टावर का ऊंचाई जो है निकालना है। तो दोस्तों आप लोग जो है मैट्रिक में पढ़े होंगे इसका जो है फॉर्मूला होता है एच बराबर जो है फॉर्मूला होता है क्या होता है, यू टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो है यह फॉर्मूला होता है। अब जो है दोस्तों इसमें जो है उसका मान रख सकते हैं, तो h बराबर हो गया दोस्तों u का मान दिया हुआ है 0, तो यह जो है पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और g का मान जो है दोस्तों हम लोग जो है 10 भी लेते हैं, 10 गुना टी हो गया 4 चौके 16, काटिएगा इसको, तो यह जो है काटने के बाद जो है 16 × 5 = 80 मीटर जो है इसका हाइट आ गया निकल करके टावर का हाइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 80 मीटर। इसमें कह रहा है बल का आघूर्ण पैमाना होता है, तो दोस्तों बल आघूर्ण को हम लोग जो है टॉ से डिनोट करते हैं, और टॉ बराबर होता है दोस्तों एफ इंटू डी होता है, इनकी बल गुना दूरी होता है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों इनकी बल आघूर्ण जो है यह जो है पिंड को घुमाने की क्षमता का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंड को घुमाने की जो है क्षमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों पारे के 1 cm³ की मात्रा 13.6 ग्राम है, तो पारे का जो है घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का जो है फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन या फिर वॉल्यूम होता है। इसमें जो है m का मान दिया हुआ है 13.6 और आयतन दिया हुआ है दोस्तों 1 cm³, इसको जो इनकी सॉल्व कीजिएगा, यह जो है 13.6 g/cm³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है या फिर खनिज है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका है एल्युमिनियम का, और इसका जो है अन्य और भी इनकी अयस्क है दोस्तों, उसके बारे में आप लोग जो है थोड़ा जान लीजिए। तो एल्युमिनियम का जो है अयस्क का नाम है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, कोरंडम, और एक होता है बॉक्साइट होता है। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों संश्लेषित गैस किसका मिश्रण है। तो दोस्तों संश्लेषित गैस जो है दोस्तों यह जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है यह मिश्रण होता है संश्लेषित गैस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सुपर क्रांतिक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों सुपर क्रांतिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो है उपयोग हम लोग जो है दोस्तों प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के निष्कर्षण में करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों SnO2 से टीन की प्राप्ति की जाती है किसके द्वारा। तो दोस्तों कार्बन अपचयन द्वारा जो है SnO2 से जो है टीन की प्राप्ति की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां में होती है कौन सा हाइड्रोकार्बन होती है। दोस्तों
तो उसमें होती है दोस्तों उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होती है? उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो है कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त भी होते हैं। ओके, और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात जानकारी होना चाहिए कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन। ओके, तो दोस्तों अल्केन का जो है फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यह जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ हुई थी? तो दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन में जो है सेवर्स की संधि जो है दोस्तों यह जो है हुई थी तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों सेवर्स की जो है संधि कब हुई थी? तो दोस्तों सेवर्स की जो है संधि हुई थी दोस्तों 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। और दोस्तों वर्साय की जो है संधि कब हुई थी? वर्साय की जो है संधि कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1919 में हुई थी वर्साय की संधि। तो आप लोग को जो है यह भी याद होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों ऊंट में आरबीसीज होते हैं। तो दोस्तों ऊंट में जो है आरबीसी जो होते हैं दोस्तों वह जो है अंडाकार और नाभिक युक्त होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और दोस्तों आप लोग को जो है एक बात और जानकारी होना चाहिए कि आरबीसी का जो है मृत्यु कहाँ पर होता है? तो उसका जो है मृत्यु दोस्तों यकृत और पिलिहा में होता है। इसी कारण जो है दोस्तों यकृत और पिलिहा को जो है हम लोग आरबीसी का जो है कब्र कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो है कब्र कहा जाता है, यकृत और पिलिहा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनना रुका रहता है किसके द्वारा? तो दोस्तों रुधिर वाहिनियों में जो है रुधिर का थक्का जो है बनना रुक जाता है हिपेरिन के द्वारा। हिपेरिन के द्वारा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिपेरिन के द्वारा। चलिए दोस्तों इसमें कह रहा है प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। तो दोस्तों कपास का जो है प्रथम ट्रांजेसिक पौधा है जिसका प्रयोग जो है व्यावसायिक स्तर पर जो है उत्पादन के लिए हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों विश्व की प्रमुख जो है खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों विश्व का जो है सबसे प्रमुख जो है खाद्य फसल का नाम है गेहूँ। और भारत का जो है दोस्तों, भारत का कौन सा है खाद्य फसल? तो भारत का जो है दोस्तों चावल है। क्या है? चावल है खाद्य फसल। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो दोस्तों सुष्मिता सेन ऐसे पहले भारतीय हैं जिसने 1994 में जो है मिस यूनिवर्स का जो है खिताब जीती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आप लोग से जो है एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड का जो है खिताब पहली बार भारत में किसने जीती? मिस वर्ल्ड का खिताब, तो दोस्तों मिस वर्ल्ड का जो है खिताब 1996 में जो है रीता फारिया ने जीती थी। कौन? तो रीता फारिया जीती है थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को जो हमें कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में जो है दोस्तों 2020 का जो है मिस यूनिवर्स साथ ही साथ मिस वर्ल्ड का जो है खिताब किसने जीती है वह आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो है एवरडीन को जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों तो शिकागो को जो है धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, ओके। और जोहान्सबर्ग को जो है दोस्तों ए गोली के नाम से जाना जाता है, ए गोली के नाम से, ठीक है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवरडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, फरक्का समझौता का जो है संबंध है। तो दोस्तों फरक्का समझौता का जो है संबंध वह गंगा नदी से है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी का बंटवारा के संबंध में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है यह फरक्का समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। और यह जो है समझौता दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है, फ्री स्टाइल शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। फ्री स्टाइल जो है शब्द दोस्तों यह जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तैराकी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, मांच किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो दोस्तों मांच जो है दोस्तों मांच यह जो है मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य का नाम है मांच, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है अन्य लोक नृत्य का नाम है कर्मा शैला, कर्मा और शैला, ठीक। हरियाणा का जो है दोस्तों लोक नृत्य का नाम है धमाल, झूमर। केरल का तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कथकली, ओके। और असम का क्या है दोस्तों? असम का है सत्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। तो दोस्तों सौर वर्ष जो है, सौर वर्ष यह जो है 12 महीना का होता है, और चंद्र वर्ष जो है दोस्तों, चंद्र वर्ष यह जो है दोस्तों 12 महीना से जो है 11 दिन जो है कम ही रहता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है दोस्तों, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम रहता है। तो 11 दिन कम रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 दिन कम रहता है। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर स्थित है, तो दोस्तों भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर। और दोस्तों भुवनेश्वर के जो है उड़ीसा में जो है दोस्तों कोणार्क मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर भी है, ठीक है। और दोस्तों सरवन बेलगोला तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यह जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखन विधि से जो है अपना जीवन त्याग दिए थे, सरवन बेलगोला में, ठीक है, ओके। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर। इसमें कह रहा है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो का जो है मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि यूनेस्को का जो है स्थापना 1946 में हुआ था, और इसका जो है दोस्तों मुख्यालय है वह पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस, जो कि फ्रांस में है, ओके। और इसका जो है दोस्तों अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अभी जो है दोस्तों इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्र ओजेले, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों आर्थिक अपक्षय का जो है सिद्धांत के प्रवर्तक थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यही वो भारतीय थे दोस्तों जिन्होंने यह बताया था कि भारत का दुर्दशा का जो है मूल कारण अंग्रेजों द्वारा भारत से धन ले जाना है, यही पहले बताए थे।
तो इसका जो है दोस्तों आर्थिक, तो आर्थिक पर अपक्षय का जो है प्रवर्तक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि इसको जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। इसको भारत का जो है वयोवृद्ध वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है इसको, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों आर्य समाज के, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। उससे पहले हम लोग यह जानते हैं दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज का जो है दोस्तों स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, और कौन किया था, दयानंद सरस्वती ने किए थे, ठीक है। और यह जो है दोस्तों आर्य समाज जो है दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजन के जो है विरोधी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता का क्या नाम था। तो दोस्तों गदर पार्टी के जो है एक प्रमुख नेता का नाम था लाला हरदयाल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला हरदयाल। दोस्तों इसमें जो है एक बात आप लोग को जो है जानकारी होना चाहिए, लाल बाल और पाल जो है दोस्तों यह जो है सभी गरम दल से संबंधित थे। कौन दल से, तो गरम दल से। लाल का मतलब हो गया लाला हरदयाल, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थी। तो दोस्तों तानसेन जो थे यह जो है अकबर के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के दरबार में। दोस्तों इसका जो है बचपन का नाम था दोस्तों वह था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। और इसका जो है दोस्तों गुरु का नाम था हरिदास। क्या नाम था, हरिदास। तो आप लोग को जो है इतना बात जो है इसमें जानकारी होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी। तो उसकी जो है दोस्तों राजधानी थी लाहौर थी। कहाँ पे थी, लाहौर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो दोस्तों भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तु जो है शामिल होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को हम लोग कहते हैं भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा। और दोस्तों सागर तट से आने वाली तरंग को हम लोग कहते हैं ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाटा। इसमें कह रहा दोस्तों चाय की पैदावार होती है, इनकी चाय जो है सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों चाय की जो है खेती सबसे, यानी कि सबसे अधिक जो है दोस्तों वह होती है पठारी, यानी कि पहाड़ी ढाल पर होती है। कहाँ पे होती है, पहाड़ी ढाल पर। और दोस्तों असम जो है दोस्तों यह जो है चाय का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। और इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि दोस्तों चाय में जो है थीन नामक जो है एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों कनिष्क जो है अपना राजधानी पुरुषपुर को बनाया था, या फिर पेशावर को बनाया था, पेशावर को बनाया था। और इन्होंने जो है दोस्तों अपना जो है दूसरा राजधानी जो है दोस्तों वह जो है मथुरा को बनाया था, मथुरा को, ठीक है। दोस्तों कनिष्क जो है दोस्तों यह जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। कौन वंश से, तो कुषाण वंश से। इन्होंने ही जो है दोस्तों 78 ईस्वी में
78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया था। तो आप लोग को जो है इतना बात जो है इसमें याद होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषपुर। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि कनिष्क के समय ही जो है दोस्तों मथुरा कला और गंधार कला जो है काफ़ी फैली थी। गंधार कला जो है दोस्तों यह जो है काफ़ी पनपी या फिर फैली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों औपनिवेशिक नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके कारण जो है दोस्तों कृषि का जो है वाणिज्यीकरण हुआ है। क्या हुआ? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वह सर्वप्रथम पश्चिमी घाट में पहुंचता है। कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट में। और इसका जो है अन्य नाम है दोस्तों सहयाद्री भी नाम है। क्या नाम है? सहयाद्री भी नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों भारत का अभयारण्य जिससे सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य में जो है दोस्तों हाथी की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों काजीरंगा जो है अभयारण्य यह जो है दोस्तों मुख्य रूप से एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाला जो है गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में है। दुधवा जो है दोस्तों यह जो उत्तर प्रदेश में है। मानस जो है दोस्तों मानस यह जो है दोस्तों असम में है। कहाँ पे है? असम में है। नंदा देवी जो है दोस्तों यह जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काजीरंगा। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला देश मतलब इनकी राज्य है। तो दोस्तों न्यूनतम जो है साक्षरता वाला राज्य है वह बिहार है। और सबसे अधिक जो है दोस्तों वह जो है साक्षरता वाला राज्य कौन है? वह केरल है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों बरौनी में जो है दोस्तों पाइपलाइनों के द्वारा जो है कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। और दोस्तों बरौनी कहाँ पे है? बरौनी जो है दोस्तों यह जो है बेगूसराय ज़िले में है। कहाँ पे है? बेगूसराय ज़िले में है यह बरौनी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइपलाइनों से। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है बिहार के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों बिहार के मैदानी भागों में जो है वाहित मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? तो वाहित मिट्टी। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि बिहार के अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो उस टाइम जो है आंसर होता जलोढ़ मिट्टी। क्या होता? जलोढ़ मिट्टी होता आंसर। तो इसको जो है आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 1950 में जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारतीय संविधान का जो है पहला बैठक कब हुआ था? तो पहला बैठक हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अंतिम जो है कब हुआ था? तो अंतिम हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1950। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है।
तो दोस्तों भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान का जो है संरक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो है संरक्षक जो है दोस्तों वह जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिद्धांत की स्वीकृति कौन देता है? तो वह जो है दोस्तों हॉब्स देता है। हॉब्स जो थे दोस्तों यह जो है अंग्रेज राजनीतिक जो है यह विचारक थे। कौन थे? अंग्रेज राजनीतिक जो है यह विचारक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कब प्रारंभ हुआ था? तो वह जो है दोस्तों 1979 में जो है प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? तो 1979 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1979। दोस्तों IRDP का जो है मुख्य काम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, IRDP का जो है काम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1979। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की जो है स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1983। दोस्तों 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों देश में नियोजन सलाहकार समिति कब बनाई गई? तो देश में जो है दोस्तों नियोजन सलाहकार समिति जो है 1946 में बनाई गई थी। कब? तो 1946 में। दोस्तों नियोजन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नियोजन सलाहकार समिति के जो है अध्यक्ष थे उसका नाम था के सी नियोगी। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? आप लोग को जो है बताया गया था नवीकरणीय और नवीकरणीय गैर परंपरागत और परंपरागत के बारे में। अगर आप लोग जो है पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जो है पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो है भूमिगत जल जो है दोस्तों यह जो है नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों यह जो है केवल मंत्रिपरिषद के ही द्वारा रखा जाता है, और बाकी जो भी इनकी प्रस्ताव है वह जो है सभी दोस्तों वह जो है प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा जो है रखा जाता है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों यह जो है केवल मंत्रिपरिषद के द्वारा ही रखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो है शुरुआत यह हुआ था 1966 और 1967 के बीच हुआ था, और इसका जो है दोस्तों पिता कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है, और इसका जो है दोस्तों जन्म स्थली है वह है पंत नगर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यह जो है दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंत नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का क्या विषय है?
उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग यह जानते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी खुशी में जो है दोस्तों 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अभी जो है दोस्तों 2021 का जो है विषय है वह है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों डावर च्यवनप्राश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी जो है अक्षय कुमार को जो है डावर च्यवनप्राश ने जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार का स्थानांतरण कहाँ किया गया है, तो वह किया गया है प्रयागराज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ दिन से जो है आप लोग को जो है वीडियो नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं दोस्तों। तो आज जो है शाम 7 बजे आप लोग को जो है आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि शाम 7 बजे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।